ए, किन ख्यालों में खोए हो? मैं अपने सपनों को साकार कर रहा था, जानती ही नहीं था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे सामने इतनी जल्दी आकर खड़ी हो जाएगी। सिटी टाइम्स इज माइन। सिटी टाइम से क्यों? तुम्हारी गाड़ी की हर चीज के अब तुम अकेले मालिक हो। यस नीता, यस, अब सब कुछ मेरा है। अब कोई अड़चन नहीं है, कोई दीवार नहीं है। किंग इज डेड एंड आई एम द किंग नाउ। विक्रम जायसवाल इज द किंग। हाँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूं। नहीं विक्रम, अभी भी एक बंधन हमारे बीच दीवार बन के खड़ा है। कौन? तुम्हारी पत्नी नेहा। हाँ, अरे उस दीवार की मेरे नजर में कोई कीमत नहीं है। वो तो आरंभ की मौत के बाद कब की टूट के बिखर चुकी होगी। और मैं विक्रम, वेयर डू आई फिट इनटू योर फ्यूचर प्लान्स? नीता, अगर उस समय तुमने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं टूट के बिखर चुका होता। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे आज तक समझा है। मेरे एहसास, मेरे जज्बात को तुमने मजबूती दी है। तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी। नहीं विक्रम, अब शायद तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। कैसी बातें करी नीता? तुम्हारी जगह जो मेरी जिंदगी में है वो कोई नहीं कर सकता। देखो विक्रम, मैं जानती हूँ तुम अब तक बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने तुम पे कभी कोई दबाव नहीं डाला। आई नेवर ट्राई टू प्रेशराइज यू। लेकिन अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। एंड आई वॉन्ट यू टू मेक अ डिसीजन। What kind of a decision? विक्रम, मैं अब दूसरी औरत बन के रहना नहीं चाहती। समाज और लोगों के ताने सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। I do not want to be known as your mistress all my life. मुझे भी इज्जत से रहने का हक है, और अगर ये हक तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? विक्रम, मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद का वारिस देना चाहती हूँ। I want to be known as Mrs. Vikram Jaiswal. बस इतनी सी बात है। और इसके लिए तुमने इतने ढेर सारे आंसू बहा दिए? अरे पगली, मैं तो खुद तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। हाँ, तुम ही बताओ, तुम शादी करोगे मुझसे? लेकिन तुम्हारी उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा उससे डिवोर्स लेने के लिए।